के अनुसार कटरा से दिल्ली की तरफ जा रही तीन टूरिस्ट डिलक्स बसें जो हैं आपस में टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अम्बाला की ये घटना है जहां पर तीन टूरिस्ट बस जो हैं आपस में टकरा गई जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 15 से ज़्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कटरा से दिल्ली ये बस आ रही थी और तीन टूरिस्ट बसें थी जो कि आपस में टकरा गई। तस्वीरें भी आप इसकी देख सकते हैं, बस जो है वो पूरी तरह से आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और ऐसे में इसमें 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है जबकि 19 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अम्बाला से संवाददाता नरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, बेहद दुखद घटना यहाँ पर घटी है, एक बड़ा सड़क का हादसा अम्बाला में आज हुआ है। पूरी जानकारी इस हादसे को लेकर चाहेंगे, अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह सुबह तड़के जो जम्मू से दिल्ली के लिए बसें जा रही थी उनका आपस में टक्कर हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हुई जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही गंभीर जो है ये घटना है, दुखद घटना कह सकते हैं इसको। और पहले भी ऐसे हादसे अम्बाला में कई बार हो चुके हैं लेकिन ये अब की बार 2 बसों की जो टक्कर हुई है इसमें काफी जो है दर्दनाक हादसा कह सकते हैं इसको। और इसी के चलते जो अम्बाला पुलिस है वहां पर अम्बाला की ASP भी मौके पर पहुंची है और उन्होंने कहा है कि यह बहुत दुखद घटना है, घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती पुलिस द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा कराया गया है। और इसी के चलते जो लोग हैं लोगों का भी अभी बयान आने शुरू हो गए हैं। जो नरेश जी, जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से कोई जानकारी दी कि कैसे यह हादसा हुआ, क्या वजह यहां पर पुलिस अधिकारियों की तरफ से बताई गई है कि कैसे यह हादसा हुआ? जी अभी अभी जो अम्बाला की ASP है उसका बयान जारी हुआ है, उन्होंने कहा कि ये जो घटना है ये काफी दुखद घटना है। फिलहाल अभी इस बारे में कुछ जानकारी नहीं हो पाएगी कि किस वजह से हादसा हुआ लेकिन कह सकते हैं कि ये बड़ा हादसा जो है अम्बाला में हुआ है। और इसी के चलते जो यात्री हैं उनके बयान भी अब आने शुरू हो गए हैं, उन्होंने अपने बयान देने अब शुरू हुए हैं क्योंकि ये कटरा से दिल्ली के लिए जो है बसें चली थी और अम्बाला में हीलिंग टच जो हॉस्पिटल है वहां पर आकर इन दोनों बसों की टक्करें हुई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों के परखचे उड़ गए। जी प्रीति, क्या अब इन दोनों क्षतिग्रस्त बसों को रास्ते पर से हटा दिया गया है ताकि और यातायात इससे प्रभावित ना हो? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि ये पहले ही साइड में थी दोनों बसें और उनके साथ में जो रास्ता था क्योंकि 4 लाइन जो है रोड है क्योंकि काफी चौड़ा रोड है तो इसके चलते यातायात बाधित नहीं हुआ, कह सकते हैं कि में दोनों बसें थी जिस वजह से जो है यातायात बाधित नहीं हुआ और बसों को भी साइड में कर दिया गया है। जी प्रीति जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू से दिल्ली ये बस जो है जा रही थी और यहाँ पर सुबह यह हादसा हुआ, हालांकि वजह क्या रही ये अभी तक पता नहीं चल पाया लेकिन एक अंदाजन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सुबह कोहरा होता है, विजिबिलिटी काफ़ी कम रही होगी जिस वजह से यह हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और सभी घायलों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।